मैं अजय सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक संख्याओं के मानक रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है इसके विषय में चर्चा करने चल रहा हूँ। किसी भी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि उस संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के बाईं तरफ हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं तरफ हो। जैसे 5348 का मानक रूप बराबर हम इसको लिखेंगे 5.348 गुणे 1000 बराबर 5.348 गुणे इसको हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं बराबर 5.348 गुणे 10^3 लिखेंगे। यही इसका मानक रूप है। 5.348 गुणे 10^3 इसका मानक रूप है। फिर प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। 0.0001 को मान लीजिए मानक रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे दशमलव कितने अंकों है देखिए 1 2 3 4 चार अंक पे दशमलव है यहाँ तो इसको हम लिखेंगे क्या 1/10000 1 2 3 4 बराबर इसको हम लिखेंगे 1/10^4 क्योंकि 1 2 3 4 जीरो है इसलिए 10^4 बराबर इसको हम लिखेंगे 1.0×10^-4 ये इसका मानक रूप हो गया। प्रश्न नंबर 3 हमारा है मान लीजिए 0.00045 यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव कितने अंकों पर है 1 2 3 4 5 तो इसको हम बराबर लिखेंगे 45/5 जीरो हैं
तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इतना लिखेंगे। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 45/10 × 10^4 बराबर, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 45/10 × 10^4 या इसको हम इतना लिख सकते हैं, 45 में जब हम 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4.5 × 10^4 यह इसका मानक रूप हुआ। प्रश्न नंबर 4 हमारा है 0.48, इसको मानक रूप में लिखना है तो हम इसमें देखते हैं 0.12 अंक लगा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 48/100 बराबर, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 48/10 × 10 या इसको इतना भी लिख सकते हैं हम 48/10 × 10^1 बराबर, इसको हम लिखेंगे 48 में 10 का भाग देंगे 4.8 × 10^1 यह इसका मानक रूप हो गया। अगला प्रश्न हमारा है 6वां, 0.0048 बराबर, इसको हम लिखेंगे, देख रहे हैं इसमें 0.1, 2, 3, 4 अंक पे है, इसलिए इसको हम 48/ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इतना लिख सकते हैं बराबर, बराबर इसको हम 48/10 × 10^3 लिख सकते हैं बराबर, इसको हम 48 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 10^-3 क्योंकि फार्मूला पढ़े हैं 1/A बराबर होता है A इनवर्स। प्रश्न नंबर 6 हमारा हो गया, इसका मानक रूप 4.8 × 10^-3 हो गया। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर पे, 62, 64, 67 इसको मानक रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे बराबर, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक अंक हम 0.2 के पहले रखेंगे क्योंकि हम आपको नियम में पढ़ाए हैं किसी भी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या को 10^10 के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि उस संख्या का एक अंक 0.2 के पहले अर्थात बाईं तरफ हो तथा शेष अंक 0.2 के बाद में या दाईं तरफ हो, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 6.2 × 10^10 की कितनी घात लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घात 8 लिखेंगे, यही इसका मानक रूप हो गया। अगला प्रश्न हमारा है लास्ट 0.00008 इसको हम लिखेंगे, देखिए 0.5 कितने अंकों है 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए हम इसको लिखेंगे 8/1, 2, 3, 4, 5 इतना लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 8.0 × 10^5 0 है 5, यही इसका
मानक रूप है। इसी पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे।